Hello students, today from class 7 our topic is the story of an invitation. Okay, the story of an invitation, इसको हम invitation बताएंगे और lesson number है 5th. Okay, let's start. In last video there were two girls, Bertha and ग्रेस. दो लड़कियां थी जो अपने एकेडमी के रूम में मिली थी और वो फ्रेंड्स बन गई थी. बर्था को जो है एक लेटर मिला था जिसमें बर्था की आंट ने उसको इनवाइट किया हॉलीडेज के लिए, समर वेकेशंस के लिए. लेकिन ग्रेस जो है वो ग्रेस वाज सो पुअर एंड सी वांटेड टू अर्न सम मनी इन देयर समर वेकेशन. बट बर्था वॉज नॉट हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ ग्रेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट. आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बर्था. बर्था ने कहा कि मुझे लगता है कि सीनियर इंग्लिश को इस शाम रिवाइज करना चाहिए. ओके, हम पढ़ रहे, वी आर एट पेज नंबर 37. बट सी मेड नो मूव टू डू सो. सी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस. हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड. श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन वेन सी हैड कम टू द एकेडमी. एंड सी हैड नॉट बाई एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन. ओके, कि जो है वो एक तो है बर्था और सेकेंड है ग्रेस. बर्था जो है वो उसने कहा कि हमें इस क्या करना चाहिए, सीनियर इंग्लिश को रिवाइज करना चाहिए. लेकिन वो ऐसा करने में, ऐसा करने में उसने सहमति नहीं दिखाई, यानी उसका कुछ मूड नहीं था ऐसा करने का. वो क्या कर रही थी, वो अपने फ्रेंड के फेस को स्टडी कर रही थी. किसके फेस को, अपने फ्रेंड, मतलब उसका फ्रेंड कौन है, ग्रेस. ग्रेस जो है वो काफ़ी पेल और थिन हो गई थी. ओके, यानी कमज़ोर और काफ़ी पेल हो गई थी. श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन वेन सी हैड कम टू दी अकेडमी. और उस जब वो अकेडमी में आई थी उससे भी ज़्यादा वो क्या है, थिनर और पेलर हो चुकी थी. और ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्लम्प एंड रोजी थी, यानी काफ़ी हष्टपुष्ट थी, यानी स्ट्रोंग थी. आई बिलीव सी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्क्समैन, थॉट बर्था. इफ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी. और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट आई वुड जस्ट write her all about Grace and ask if I could bring her with me. Aunt Meg would understand. She always understands, but she hasn't, so it can't be. कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो है 2 महीने तक क्लार्क्समैन में बिता नहीं पाएगी. कौन नहीं बिता पाएगी, ग्रेस. If I were not going to Aunt Meg, अगर मैं Aunt Meg के पास नहीं जाती तो मैं उसको अपने साथ घर पे जाने के लिए कहती. और यहाँ तक कि अगर Aunt Meg के पास एक और कमरा होता या एक और गेस्ट रूम होता तो मैं उनको लिखती, किसको, उस आंट को लिखती कि ग्रेस को भी जो है, मैं ग्रेस के बारे में सब कुछ उनको लिखती और उसको साथ ले जाने के लिए कहती. कहाँ जाने वाली थी वो, वो जाने वाली थी अपनी आंट मैग के पास. आंट मैग जो है मेरी बात को समझती और वो हमेशा समझती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती. क्यों नहीं कर पाती आंट मैग ऐसा, क्योंकि उनके पास रूम नहीं था, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता. जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्थाज ब्रेन. तभी अचानक से बर्था की ब्रेन में एक
थॉट आया, एक विचार आया, व्हाट नॉनसेंस ही सेड अलाउड सो सडनली एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जम्प। उसने कहा, जोर से कहा और अचानक से कहा कि व्हाट नॉनसेंस दैट ग्रेस फेयरली जम्प, ग्रेस जो है वो उछली अचानक से। व्हाट इज, क्या है? ओ नथिंग मच सेड बर्था, बर्था ने कहा कुछ नहीं। गेटिंग अप ब्रिस्कली, जल्दी से उठी। सी हियर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड एनफ टाइम। देखो मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा समय जो है बर्बाद कर दिया। सी कर्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, बट हर थॉट्स वंडर्ड होपलेसली एंड फाइनली सी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड। देयर शी कुड नॉट स्लीप, सी ले अवेक एंड रिसर्च विद हर सेल्फ। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन सी सेट अप इन बेड एंड सेड सोलमनली, आई विल डू इट। नाउ ट्रांसलेशन, कि उसने क्या किया, अपने आप को दीवान पे बिठाया, यानी कर्ल हो गया, यानी वो दीवान पर सिकुड़ कर बैठ गई और अपने आप कोशिश की अपने आप को कि वो सीनियर इंग्लिश पढ़ सके, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो होपलेसली क्या है, वंडर कर रहे, उसके थॉट जो है होपलेसली वंडर कर रहे थे, घूम रहे थे। एंड फाइनली सी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड। और फिर अचानक से क्या हुआ, वो ये सोचते सोचते रुक गई और फिर बेड की तरफ चली गई। वहाँ पर वो क्या, सी कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाई। सी ले अवेक एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ, वो उसे नींद नहीं आ रही थी, वो लेटी हुई थी सिर्फ, और अपने आप में क्या कर रही थी, रेसल कर रही थी, वो मतलब कुछ सोच रही थी, विचारों में खोई हुई थी। ये मिडनाइट का टाइम था, मिडनाइट के बाद का टाइम था, और उसने क्या किया, वो अपने बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी, सीरियसली सोलोमन ने, यानी सीरियसली सोचने लगी, आई विल डू इट, मैं ये करूँगी। क्या करने, क्या करती है वो देखते हैं। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, सी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। अगले दिन बर्था जो है वो अपनी आंट मैग को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखती है। कॉन्फिडेंशियल मीन सीक्रेट, किसी को पता ना चल सके ऐसा। सी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। उसने उस इन्विटेशन के लिए आंट मैग को जो है वो थैंक्स बोला। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग इज दैट विल यू लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, बट यू कांट हैव अस बोथ एंड आई वुड रेदर ग्रेस शुड गो, इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव ए लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड सी हैज नन। वो अपनी आंट को क्या लिखती है लेटर में क्या लिखती है कि मैं ये कहना चाहती थी आंट मैग कि आपने जो इनविटेशन मुझे दिया है, क्या आप वो, यानी जो रिवर्स डेल में आने के लिए इनविटेशन दिया था उस आंट मैग ने उसको, वो कहती है कि क्या वो इनविटेशन आप ग्रेस को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, यानी मेरी जगह क्या आप उसको बुला सकती हैं। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, यानी मुझे एहसान फरामोश मत समझो। नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, कि आप मुझे ऐसा नहीं समझेंगी, आप मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को जो है हमेशा समझती हैं, लेकिन आप हम दोनों को नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास एक ही रूम, गेस्ट रूम था, इसलिए वो कहती है कि आप हम दोनों को तो रख नहीं सकते। ग्रेस शुड गो, इसलिए मेरी जगह पर किसको आना चाहिए, ग्रेस को आना चाहिए।
ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है, यानी समर वेकेशन बिताने के लिए, यानी समर वेकेशन के लिए जो है बर्था जो है अपने घर जा सकती है। लेकिन ग्रेस अकेली थी, इसलिए वो कहीं जा नहीं पाती, इसलिए वो चाहती है कि ग्रेस उसकी जगह जाए। आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, सो सी रोड टू बर्था एंड इनक्लोज्ड ए नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस। आंट मैग जो है वो समझ गई सब कुछ हमेशा ही तरह, और वो परफेक्टली विलिंग यानी वो इस बात को मान भी गई, इसलिए उन्होंने बर्था और जो है ग्रेस को इन्वाइट करने के लिए लेटर लिखा। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बर्था। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पज। आई विल टेल हर दैट circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. That is true enough. No need to say that the circumstances are hers, not mine. And I will say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. Ki बर्था ने क्या विचार किया कि मुझे ये सब कुछ जो है बहुत ही ध्यान से करना होगा। ग्रेस को जो है ये इसका बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि ये मैंने जानबूझकर क्या किया है जानबूझकर, पर्पसली यानी इंटेंशनली क्या किया है कि वो अपनी जगह उसको ग्रेस को भेज रही है, बर्था जो है अपनी जगह ग्रेस को भेज रही है। लेकिन वो ये नहीं चाहती कि ग्रेस को इस बारे में पता चले। मैं उसको बताऊंगी कि मेरे सर्कमस्टेंसेस यानी कंडीशंस, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें आंट मैग का इनविटेशन जो है वो मना करना पड़ा, यानी वो जा नहीं पा रही है। दैट इज ट्रू एनफ, नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टेंस आर हर्स नॉट माइन। और ये बिल्कुल सही है कि सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति जो थी वो उसकी है, उसकी खुद की नहीं, यानी बर्था जो है वो ग्रेस को भेजना चाहती थी, ये परिस्थिति थी, ये एक सर्कमस्टेंस थी। और मैं सिर्फ उसे उतना ही कहूँगी कि आंट मैग ने जो है उसे अपनी जगह बुलाया है, यानी बर्था की जगह किसको बुलाया है, ग्रेस को। व्हेन ग्रेस केम होम फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, बर्था टोल्ड हर स्टोरी एंड गेव हर आंट मैग्स कॉर्डियल नोट। कि जब ग्रेस जो है वो अपने हिस्ट्री एग्जाम डे वाले दिन हिस्ट्री एग्जाम का एग्जाम देकर जब वो वापस घर आई, तो बर्था ने उनको आंट मैग का जो है जो कॉर्डियल नोट यानी वेलकम नोट था जो वो उसको दे दिया। यू कम टू मी इन बर्थाज प्लेस, रोट द लेटर। आई फील एज इफ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ हॉनरी नीस एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ यू वर बर्था हरसेल्फ। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था आंट मैग का, कि आंट मैग ने लिखा था कि तुम्हें जो है बर्था की जगह आना होगा, ग्रेस को बोलती है कि तुम्हें बर्था की जगह आना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उसके लेटर से, यानी जब बर्था उनको लेटर लिखती थी उन लेटर से जो है वो ग्रेस को अच्छी तरह से जानती हैं, और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ कि तुम उसकी जगह आओ, और मैं तुम्हें भी जो है अपनी नीस की तरह ही रखूँगी, जैसे मैं बर्था को रखती थी वैसे ही मैं तुम्हें भी तुम्हारा भी ख्याल रखूँगी और बर्था की तरह ही तुम्हें ट्रीट करूँगी। इजंट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग, सेड बर्था डिप्लोमेटिकली, ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेस। कि क्या ये शानदार बात नहीं है आंट मैग की, बर्था ने सीधे से कहा, ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेस, तुम्हें वास्तव में तुम्हें वहां जाना है ग्रेस को। ओ आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन बेविलडरमेंट, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था। नहीं, ओ आई डोंट नो, अरे मैं नहीं जानती, ग्रेस ने कहा, सीधे तौर पे कहा,
आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था? बर्था से कहती है कि तुम श्योर हो कि तुम वहां पर नहीं जाना चाहती? इंडीड आई डू वांट टू गो ड्रेडफुली, सेड बर्था फ्रेंकली। बर्था ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल वहां पर जाना चाहती हूँ, यानी मुझे बहुत शौक है ड्रेडफुली, यानी मुझे काफी इच्छा है वहां पर जाने की। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, इट इज इम्पॉसिबल, यह है पॉसिबल नहीं है। बट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्टन्ट बी, यू मस्ट गो ग्रेस, एंड दैट इज ऑल देयर इज अबाउट इट। कि उसने कहा कि अगर, बट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्टन्ट बी, अगर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तो आंट मैग जो है डिसअपॉइंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम जाओ, जरूर जाओ ग्रेस, और बस यही जो है मुझे कहना था कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए मेरी जगह। इन द एंड ग्रेस डिड गो, ए लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रेजरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड द हीट ऑफ द सिटी। बर्था वेंट होम फीलिंग ए लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, इट कैन नॉट बी डिनाइड, बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर that if she had to do it all over again, she would do just the same. और लास्ट में क्या होता है, ग्रेस जो है वो चली जाती है, वो थोड़ी पजल्ड है और डाउटफुल है अभी भी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाती है, और लेकिन वो इस बात के लिए भी काफ़ी थैंकफुल है कि उसे जो है काउंटर पर जो है ये समय बिताना नहीं पड़ेगा। कौन सा ड्रेजरी समय, यानी वो बेकार सा टाइम जो है वो उसे बिताना नहीं पड़ेगा, जैसे कि सिटी की नॉइज और हीट जो है उसमें नहीं रहना पड़ेगा। बर्था जो है घर जाती है, और लेकिन एक अपने आप में एक सीक्रेट रखती है जो वो खोलना नहीं चाहती है, जो उसने ग्रेस को वहाँ पर भेजने के लिए जो सीक्रेट बनाया था, लेकिन इसलिए भी वो काफ़ी श्योर लग रही है कि इफ़ सी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन सी वुड डू जस्ट दी सेम, लेकिन वो ऐसा भी चाहती है कि जैसा काम उसने किया है, यानी ग्रेस के लिए जो किया है, वो फिर भी उसके लिए करती रहेगी। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय एंड फाइनली टू लेटर्स केम टू बर्था, वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस। समर जो है वो तेजी से बीत रहा था, और फाइनली जो है बर्था को दो लेटर मिले, एक मिला आंट मैग से और एक मिला ग्रेस से। I have had a lovely time, wrote the letter, and oh Bertie, what do you think? I am to stay here always. Oh, of course, I am going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. कि वो क्या लिखती है, ग्रेस जो है वो लेटर में क्या लिखती है कि यहाँ पर जो है काफ़ी लवली टाइम है, यानी मैं काफ़ी अच्छा समय बिता रही हूँ, उसने लेटर में लिखा। और ये लेटर लिखते हुए बोलती है, बर्टी व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, ऑफ कोर्स, जो है मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहूँगी, ऑफ कोर्स, लेकिन स्कूल ज़रूर आऊँगी, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूँगी लेकिन स्कूल ज़रूर आऊँगी अगले महीने। बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद जो है ये घर मेरा घर होगा। आंट मैग ने कहा कि यही मेरा घर होगा। सी मेक्स मी कॉल हर दैट सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, और आंट मैग ने उसको कहा है, किसको कहा है, ग्रेस को कहा है कि वो हमेशा के लिए उनके पास रहे। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, और आंट मैग क्या लिखती है, ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव told you that I intend to keep her here. You know, I have always wanted a daughter of my own, but my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs. So I intend to adopt Grace. She is the sweetest girl in the world, and I am very grateful to you for sending her here. You will not know her when you see her. She has grown plump and rosy. आंट मैग क्या लिखती है,
कि ग्रेस ने तुम्हें लिखा होगा या तुम्हें लिख रही है, और मैंने उसको कहा है कि वो मैं उसको हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मैं हमेशा से एक डॉक्टर की जो है मुझे इच्छा थी कि मेरी भी एक डॉक्टर हो, लेकिन मेरे ग्रीडी ब्रदर एंड सिस्टर जो है उन्होंने अपनी एक भी डॉक्टर जो है मुझे नहीं दी, इसलिए मैंने ग्रेस को गोद लेने का यानी एडॉप्ट करने का इरादा बना लिया है। और वो जो है काफ़ी स्वीटेस्ट गर्ल है इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की स्वीटेस्ट गर्ल है, और मैं तुम्हारी काफ़ी एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि तुमने उसे मेरे पास भेजा, और तुम जब तुम उससे मिलोगी तो तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी प्लम्प और रोजी हो गई है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। बर्था फोल्डेड हर लेटर अप विद अ स्माइल, हैव ए वर्क डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन ए स्टोरी बुक, शी सेड। बर्था ने जो क्या है हंसते हुए लेटर को फोल्ड किया और उसको उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे, यानी वो कुछ भी क्लियर नहीं थे उसके दिमाग में, लेकिन उसके अंदर काफ़ी खुशी थी, डिलाइटफुल थी वो, कि ये इस स्टोरी बुक की वो एक एंजल है। ओके, नाउ इन लास्ट देयर इज अ मैसेज, आई अलोन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वाटर टू क्रिएट मैनी रिपल्स, सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, यू मस्ट रीड दिस चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी गुड एंड यू विल गेट योर क्वेश्चन आंसर वेरी सून। थैंक यू।